लेकिन शम्स सब कुछ ठीक हो चुका है, सब नॉर्मल है। फिर इन सब बातों का मुझे मुझे कुछ कुछ समझ नहीं आया। मुझे अपनी तसल्ली कर लेने दो राशि। चलाओ, मैं तुम्हें रिजा के कमरे तक ले चलता हूं। शम्स आ गए। शम्स
आपके मिसेस बिल्कुल ठीक हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन से बात नहीं है, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि वो प्रेग्नेंट हैं और इस हाल में उनका गिरना कितना खतरनाक हो सकता है, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन प्लीज़ बी केयरफुल, उनका ब्लड प्रेशर भी शूट कर गया था। आप प्लीज़ ख्याल करें कि तहरीन किसी भी किस्म का स्ट्रेस ना ले। जी डॉक्टर, आप ठीक कह रही हैं, मैं तहरीन का ख्याल रखूँगा इंशाल्लाह, मैं ऐसी मिस्टेक नहीं हूँ। ये मेडिसिन लिख दी। तुम इतना ऊंचा ऊंचा क्यों रो रही थी? मैं तो परेशान ही हो गई थी। क्या कह रही हैं खानावा जी आप? मैं भला क्यों ऊंचा ऊंचा रोऊंगी? मैं तो बस यूं ही टहलती हुई यहाँ आ गई थी। रिजा बहुत अजीब सी है। सबा भी कुछ ऐसा ही बता रही थी इसके बारे में। न जाने क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। कुछ तो है, कुछ तो ऐसा है जो जो हमारी नजरों से ओझल है। शैतानी कुव्वतों से तो लड़ने का हौसला है मुझ में, लेकिन जब मैंने तुम्हें बेहोश देखा ना, तो एक पल में मुझे ऐसा लगा कि मेरे जिस्म से जान निकल गई, मेरे हाथ पांव शल हो गए थे। मुझ में इतनी सकत नहीं थी कि मैं तुम्हें उठा सकूं। मेरे ख्याल में खैर मरी मखलूकात की दुनिया में झांकने वाले भी इस दुनिया में अपनी दुनिया नहीं बसा सकते, या ये कहना दुरुस्त होगा कि आमिल दूसरों के रिश्तों को बचाते बचाते अपने रिश्तों को कुर्बान कर देते। कैसी बातें कर रही हो तुम? सुपर नेचुरल फोर्सेस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अल्लाह अपने बंदों की हिफाजत करता है। कोई लड़की थी जो बहुत तड़प रही थी, उसके उसके खून से भरे हाथ किचन की खिड़की पर लग रहे थे। वो मर रही थी, मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन खौफ की वजह से मैंने खिड़की नहीं खोली और अचानक एक भयानक चेहरा खिड़की से उभरा। इस बात का अंदाजा मुझे घर में दाखिल होते ही हो गया था, जिसे मैं राशिद के घर में तलाश कर रहा था।
वो मेरे घर में मौजूद थी। शम्स, अगर आप सच में मुझसे मोहब्बत करते तो फिर मेरे और अपने बच्चे की खातिर ये सब छोड़ दे। क्या चाहते हैं आप? मैं और मेरा बच्चा आपके किसी अमल के भेंट चढ़ जाए? कुछ नहीं होगा, तुम खामखा स्ट्रेस ले रही हो, मैं सब संभाल लूंगा, तुम बस कूल रहो। डॉक्टर ने तुम्हें स्ट्रेस लेने से मना किया, बी रिलैक्स, कुछ मत सोचो, बस थोड़ी देर में हम लोग घर चले गए। जो भयानक वाकया मैं राशिद के घर में एक्सपेक्ट कर रहा था वो मेरे घर में हो गया। मेरा अंदेशा दुरुस्त निकला, कोई गैर मरई मखलूक राशिद के घर में दाखिल हो चुकी जिसने रिजा के जिस्म का सहारा लिया है। मुझे फौरी तौर पर अमल करना होगा इससे पहले कि देर हो जाए। क्या हुआ शम, सब खैरियत तो है ना? तुम बहुत जल्दी में निकले यहाँ से। हाँ सब खैरियत है, परेशानी की कोई बात नहीं है। तहरीन की तबीयत ख़राब हो गई थी तो उसको यहाँ हॉस्पिटल लाया था, लेकिन अब निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से। अल्लाह भाभी को सेहत दे, तुमसे बात हुई तसल्ली हो गई। अल्लाह तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को अपनी सामान में। ठीक है, तुम भाभी का ख्याल रखो, बाद में करते हैं बात। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी मैंने देख लिए फाइल, बहुत शुक्रिया। इसहाक तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? हर घर में छोटी मोटी बात हो जाती है। माहिन नाराज होकर चली गई है तो उसका ये मतलब तो नहीं कि तुम उसे उसके हाल पर छोड़ दो। देखो बेटा, अगर तुम उसे मनाने जाओगे ना तो उसका दिल नरम हो जाएगा, वो खुद को बदल लेगी। लेकिन अगर तुमने ईंट का जवाब पत्थर से दिया ना तो वो भी अड़ी रहेगी। खुदा के लिए साहब, मेरी वजह से अपना और माहिन का रिश्ता खराब मत करो। अम्मी आप क्यों मुझे मजबूर कर रही हैं? वो वहां रहेगी तो उससे अपने घर की कदर होगी। और मैं कब कह रहा हूं कि मैं उसे लेने नहीं जाऊंगा? जाऊंगा मगर कुछ दिन बाद। मेरा कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा, मुझे अलीजे की याद आ रही है, मैं उसे देखे बगैर नहीं रह सकती। मैं भी कहां रह सकता हूं अलीजे के बगैर, मगर माहिन को तो जैसे मेरी कोई बात समझ में नहीं आती। तड़ आ गया रोज उसके चिक चिक से। अब गुड़िया की तबीयत कैसी है? हाँ वो परीशा ने नींद का इंजेक्शन दिया और कहा है कि इसे ज्यादा डिस्टर्ब ना किया जाए। ये सबा का अपने कमरे में होगी। सबा, मैं देख कर आती। सबा, गुड़िया के लिए बुला रहे होंगे राशिद, इन कामों के लिए ही सबको मैं याद आती हूँ। सबा, सबा, सबा की शायद आंख लग गई है। आप ऑफिस चले जाएं, मैं गुड़िया के पास हूं।
ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन करना। अरे तुम यहाँ बैठी हो। अच्छा सुनो, इसको जूस पिला के मेरे कपड़े इस्त्री कर देना, ठीक है? जल्दी कर। राशिद, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ, बोलो। पता नहीं आपने नोटिस किया है कि नहीं, मगर हमारे घर में फिर से अजीब चीजें शुरू हो गई। क्या मतलब? मतलब जैसे उस दिन मुझे कपड़ों की अलमारी में खून से भरा हुआ भालू मिला, और अभी आज जब मैं पिंकी और गुड़िया के कमरे में गई तो वहां पे रिजा पिंकी को जूस पिला रही थी, और जब मैं वहां से सीधा किचन में गई तो रिजा किचन में थी। तो फिर बच्चों के साथ कौन था? तुम बच्चों के कमरे से निकल के सीधा किचन में गई थी या कहीं और भी गई थी? नहीं राशिद, मैं बच्चों के कमरे से सीधा किचन में गई थी। पता नहीं तुम ठीक कह रही हो या गलत, लेकिन शम्स भी कुछ इसी तरह की बातें कर रहा था। शम्स? वो क्या कह रहा था? ये क्या शम्स? किसी की कब्र की मिट्टी। राशिद, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, शम्स क्या कह रहा था? शम्स रिजा के मामले में थोड़ा सा सस्पिशियस सा है। पता नहीं वो रिजा को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। जो खुद समझ में नहीं आ। अरे शर्ट ला दो ना यार। राशिद, हाजी ब्लैक शर्ट पहन, आप पर बहुत फोक करती है। अरे आपका हर हुक्म सर आंखों पर।
क्या बात, इन आंखों में उदासी कैसे? मैं जानता हूं सौर्या, अमित तुम्हें ना जाने क्या कुछ बोल देती है। प्लीज मेरी खातिर इग्नोर कर दिया करो। ये सोचकर सब सह लेते हैं कि हम तेरे दिल में रहते हैं, अंधेरों में डूबी सतम नगरी में हम अशकों को जलाए बैठते हैं। मुझे माफ कर दो सौर्या, मैं जानता हूं कि मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए आजमाइश बन गई है। वो मोहब्बत ही क्या राशिद जिसमें आजमाइश ना हो? आप फिक्र मत करें, मैं आपका मान कभी टूटने नहीं दूंगी। ये तो नहीं कहा था सोने के मान बचाते बचाते खुद को खत्म कर लो। राशिद आप ब्लैक शर्ट पहन रहे हैं, मैं तो आपके लिए ये प्रेस करके लाई थी। आप हैंग कर दो, कल पहन लो।
पूजा के कपड़े? ये मगर ये कपड़े चला किसने दिए? ये सब क्या हो रहा है? रजा, 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 जल्दी आओ मेरे साथ। नजमा, क्या हुआ? तुम आओ तो सही। क्या हो गया, तुम इतना घबराई भी क्यों? तुम्हें कुछ दिखाना है। नजमा, ये कैसे हुआ, किसने किया ये सब कुछ? मेरे पास तो सिर्फ यही कपड़े थे जो सारे के सारे जल गए। सबा शम्स का फोन आया था, मुझसे रिजा का मैला जोड़ा मांग रहा था। मगर क्यों? पता नहीं, ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आई। बहरहाल रिजा का कोई मैला जोड़ा तुम निकाल लेना, लेकिन ये काम जरा ध्यान से करना, उसे शक ना। ठीक है। नए जोड़े बनवा के इस रिजा की वापसी का बंदोबस्त करती हूँ मैं। पता नहीं रिजा, ये सब किसने किया है? तुम्हारे तो सारे कपड़े जल गए। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें नए जोड़े बना दूंगी। सुबह तुम्हें एक काम कहा था, कर दिया। राशिद, रात में किसी ने रजा के सारे कपड़े जला दिए। किसने जला दिए, क्या मतलब? पता नहीं, लेकिन नजमा और रजा भी इस बात की वजह से बहुत परेशान थी। और सवाल रजा के कपड़ों का नहीं है, वो तो मैं अरेंज कर लूंगी। सवाल ये है कि ये किसने किया और क्यों? इसका मतलब है कि शम्स ठीक कह रहा था। हमारे घर में दोबारा कुछ गलत हो रहा है, जिससे एक बार फिर हम बेखबर।